गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्रीमती आर एस कालरिया प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम मैथ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 3। ओके नीलम मैडम विद यू। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 11 जॉब्स एंड मार्क्स। चलो अब बुक में देखते हैं पेज नंबर 153 जॉब्स एंड मार्क्स। लुक वेडिंग इन बनीज फैमिली। बनी की फैमिली में वेडिंग है। देखो क्या है, कैसे है, चलो देखते हैं एंड एंजॉय दिस वेडिंग। देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स। ये बनी की फैमिली कौन है पता है? रैबिट्स की फैमिली है। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारे में वेडिंग होता है, ऐसे बनी की फैमिली है अब उसमें वेडिंग भी है। मैनी गेस्ट आर इन्वाइटेड। डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स, मंगूस एक्सेट्रा। कितने सारे गेस्ट इन्वाइटेड हैं, देख रहे हो पिक्चर में आप। मंकी है, फिर हेन, कॉक, स्नेल, पिक्चर में दिखते जाओ मेरे साथ। आउल, मंकी, स्नेक, पैरट, दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो सीट के ऊपर बनो एंड बनी बैठे हुए हैं, है ना। और उसके बाजू में टॉर्टोइज है, यस। इधर देखो एलिफेंट, फिर कैमल, कैमल के ऊपर एंट बैठा हुआ है ना, ब्लैक एंट, एंट। फिर दिस साइड देखो कैट है, फिर माउस, स्क्विरल, मंगूस, डॉग, है ना, सब दिख रहे हैं ना, इतने सारे दिख रहे हैं ये तो एनिमल्स। फिर डियर, स्पैरो और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, है ना। यस, यू लाइक दिस वन, आपको भी अच्छा लगता है ना वेडिंग में जाना, वेडिंग पार्टी एंजॉय करना, यस ना। चलो देखते हैं ये क्या करते हैं। देखो ऊपर बनी वेट्स बनो लिखा हुआ है ना। जब हम वेडिंग में जाते हैं तो बाहर नेम लिखा होता है ना, सेम उसी तरह। फिर देखो काउंटर भी है, स्पेशल ड्रिंक्स। अरे वाह, ड्रिंक्स का काउंटर है, मुंह में पानी आ गया, यस ना, यस। चलो देखते हैं। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट, वन ग्लास ईच। सबको एक एक ग्लास स्पेशल ड्रिंक दिया गया, ठीक है। एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी। सबको ड्रिंक बहुत टेस्टी लगा, बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश डैश कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास। अब आप गेस कर सकते हो किसने फुल ग्लास नहीं फिनिश किया होगा, सोच सकते हो ना, थिंक कर सकते हो, राइट। देख एंट, मुझे एंट लग रहा है, राइट। फिर बर्ड, बर्ड भी एक ग्लास फिनिश नहीं कर सकता। स्नेल है, स्नेल भी नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं। पैरट भी नहीं, स्पैरो भी नहीं, राइट, कर सकते हैं। फिर माउस भी वन ग्लास मैक्सिमम, करे तो करे, नहीं कर सकता। तो हम इसमें एंट एंड बर्ड लिख सकते हैं, राइट। बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। कौन फिनिश कर पाएगा एक ग्लास, हिज ग्लास बोला है तो कैट, मे बी कैट बोल सकते हैं, माउस कैट कर सकता है, राइट ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंट एंड बर्ड, राइट। फिर सेकेंड वन ब्लैंक में लिख सकते हैं, बट कैट इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास, सो कैट, है ना। देखो फिर भी आप देख सकते हो कितने सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कौन कौन अपना ग्लास फिनिश कर सकते हैं। Turn on your page 154. Look, some others like Desh, Desh, Desh ask for more than one glass. Tasty the special drink. तू ज़्यादा किसको पीना हो तो पूछ सकते हैं ना। Suppose like देखो हम कैसे find out करेंगे कि more than one glass उसको चाहिए या उसने पिया है। देखो picture में 153 dog है और डियर, डियर के बाजू में कितने सारे ग्लास पड़े हैं दोनों के बाजू में, है ना। फिर कैमल, गटा गट पीता ही जा रहा है। एलिफेंट, बहुत सारे पी रहा है, दिख रहे हैं ना आपको। ऐसे दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, एलिफेंट पी रहा है।
सकते हैं, है ना, मोर देन वन ग्लास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉग, डियर एंड मम्मी। ओके, नाउ कम टू हियर, नाउ द ट्रबल बिगिंस। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ट्रबल आ गई, कैसी देखते हैं। देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। जो बिग एनिमल थे ना, कोई कोई वो एक के बाद बेटा घट पीते ही जा रहे थे ग्लासेस। कौन गेस करो, कौन होगा? यस, एलिफेंट एंड कैमल। दिख रहा है, डियर भी बेटा घट जा रहे हैं, राइट। बनी वांट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच। बनी गेस कर रहा है कि किसने कितने 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 ग्लास पिया है। हाँ चलो, हम उसको गेस में हेल्प कर सकते हैं। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन, मजा आएगा, राइट। चलो, ड्रिंक हाउ मच इन नेम ऑफ गेस्ट, किसने कितना पिया वो करना है और गेस्ट का नाम लिखना है। लेस देन वन ग्लास, वन ग्लास से कम। अभी मैंने आपको बताया दूसरे हम ऐड कर सकते हैं। यस, एंट एंड स्नेल। देखो पिक्चर में देखते जाओ, एंट है स्मॉल सा एंड स्नेल वो भी कम पी सकता है, वन ग्लास मैक्सिमम, लेस देन वन ग्लास, एक ग्लास से भी कम। बिटवीन वन टू फाइव ग्लासेस। यस, गेस करो पिक्चर में, देखो देखो मुझे तो कैट एंड मंकी लग रहा है। बिटवीन वन टू फाइव ग्लास, कैट भी पी सकती है एंड मंकी, वन टू फाइव ग्लास। फिर फाइव टू टेन ग्लास, देखो डियर डगाडग पीता जा रहा है। डियर एंड डॉग, मैं डियर एंड डॉग दिखाती हूँ, डियर एंड डॉग। नाउ मोर देन टेन ग्लास, ऑब्वियसली देख रहे हो ना, कैमल एंड एलिफेंट, कैमल एंड एलिफेंट। घटा घट ही रहे हैं, मोर देन टेन ग्लास हो सकता है ना। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इन वाटर आउट। हम जो वाटर पीते हैं ना, विंटर में कम पीते हैं, बाकी समर में तो बहुत सारा पीना पड़ता है। वाटर इन वाटर आउट, देखो इसमें क्या है, ये कौन बॉय है, लड्डू नाम है इसका। आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो। मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ पूरे दिन में, लेकिन इतना सारा मेरे बॉडी में से निकलता नहीं है, तो कहाँ जाता है। देखो टॉयलेट का भी पिक्चर दिया गया, निकलता नहीं मतलब कितनी बार आप टॉयलेट जाते हो, तो कम बार जा रहे हो, तो मतलब इतना जितना आपने पिया ना उतना आपके बॉडी में से बाहर नहीं गया। तो हम उसको देखते हैं आगे क्या होता है। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, आप भी लड्डू की तरह सोचते होगे ना। यस ना, अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप एक दिन में कितने ग्लासेस वाटर पीते हो। अब लड्डू का क्वेश्चन है कि मैं इतना सारा पानी पीता हूँ तो इतना सारा तो मेरे बॉडी में से नहीं निकलता है, तो कहाँ जाता है। हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है पानी की, जितना एक्स्ट्रा पानी बॉडी में रहेगा ना वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ओके, हम टॉयलेट जाते हैं तो निकल जाता है, लेकिन बाकी का बॉडी में रहता है जितनी हमें हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा वो पानी पसीने के थ्रू निकलता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना। विंटर में जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उतना रहता है, बाकी का निकल जाता है। नाउ समर डे डैश ग्लासेस, कितने ग्लास पी सकते हैं, नियर अबाउट 10-15, राइट। विंटर डे में 5 ग्लासेस पी सकते हैं, है ना। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, आपके बॉडी में से कितना पानी बाहर निकलता होगा, आप गेस कर सकते हो। आप गेस करो फिर मुझे बताना, ठीक है। यू विल राइट समर डे में आप कितना पानी पी सकते हो, नियर अबाउट 10 ग्लासेस। ओके, फिर विंटर डे में कम ठंड में हम कम पानी पीते हैं,
तो नियर अबाउट 5 क्लासेस हो सकते हैं ना, इतना आप जितना लिखते हो उतना लिख सकते हो। हाँ ठीक है। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, हमारे शरीर में से कितना पानी बाहर जाता है। नियर अबाउट 45-75% पानी बाहर निकलता है हमारे बॉडी में से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। विंटर में कम होता है, कम निकलता है, और समर में ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने के थ्रू हमारा निकलता है ना पानी, वैसे उसकी एक्टिविटीज बॉडी जितना हमारा एक्टिविटी करता है उतना पानी यूज होता है। ओके, बाकी का बॉडी में होता है। ओके, नियर अबाउट 45-75%। ओके, बॉटल्स एंड बकेट्स टेक नंबर 155। लुक हियर, कैसे वाटर का यूज करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं बिना मेजर टैप के, वो बॉटल्स और बकेट्स के थ्रू इसमें चैप्टर में टॉपिक में समझेंगे। गेट अप 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल। 1 लीटर की बॉटल लेनी है, खाली बॉटल हमारे घर में होती है ना, मम्मी जो यूज करके फिर जाने देती है, कोई वाटर की हो या ऑयल की हो या कोई लिक्विड लाते हैं हम उसकी हो, राइट। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा। अब आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मग ले रहे हैं, जग, ग्लास, बाउल, बड़ा टब, प्रेशर कुकर, ये सब यूटेंसिल्स लिए एट योर हाउस, हमारे यहाँ घर में होता है ना, तो एम्प्टी यूटेंसिल्स लेके बैठे। यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड्स मोर देन 1 लीटर एंड विच वन होल्ड्स लेस देन 1 लीटर। अब मेजर कर रहे हैं बॉटल्स के थ्रू कि कौन 1 लीटर से ज़्यादा होल्ड करता है और कौन सा वेसल 1 लीटर से कम होल्ड करता है। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ यू लाइक, यहाँ पे देखो ड्राइंग किया हुआ है, अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो। देखो कैसे लिया है बोतल, एक मेजरमेंट के लिए 1 लीटर की बोतल ले रही, बिस्लरी की बोतल ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक की या ऑयल की, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। फिर दूसरे वेसल्स एम्प्टी वेसल्स लिए है, देखो कुकिंग पोट है, कुकर, प्रेशर कुकर, मिल्क बोतल, वाटर बोतल, जग है ना, ये सब देखो। फिर हमारे पास 2 पार्ट, लेस देन 1 लीटर एंड मोर देन 1 लीटर। लेस देन 1 लीटर में पहले हम फाइंड आउट करते हैं बाउल, यस एक छोटा सा बाउल है वो हो सकता है, और मोर देन 1 लीटर में बिग कुकिंग पोट हो सकता है, राइट। फिर हम लेस देन में क्या क्या ले सकते हैं, वाटर बॉटल, छोटी वाटर बॉटल, ओके। फिर ग्लास, ग्लास में लेस देन 1 लीटर समझता है ना। फिर मग, मिल्क जहाँ जिसमें पीते हो, मिल्क वाला मग, फिर चाय वाला मग होता है ना, उसमें 1 लीटर से कम होता है। देन मोर देन 1 लीटर, यस प्रेशर कुकर जिसमें मम्मी खाना बनाती है कुकर में वो वाला। फिर बच्चों को नहलाते हैं बाथिंग टब, टब या कपड़े धोने का टब होता है ना, वॉशिंग टब, बाथिंग टब, यस। फिर कोई बिग पॉट जिसमें खाना बनाते हो, राइट, कुछ भी बड़ा वाला वेसल हो। फिर बकेट, बाल्टी जिससे बाथरूम में जो रखते हैं, राइट, और इसमें उस बाथरूम का जो मग होता है टम्बलर उसमें लेस देन 1 लीटर और बकेट में मोर देन 1 लीटर, इतने हम गैस कर सकते हैं, राइट। चलो नाउ राइट ऑन योर बोर्ड अ स्मॉल वाटर बॉटल लेस देन 1 लीटर की, ओके। फिर क्या लेंगे, मिल्क बॉटल, ग्लास, ग्लास, राइट, मिल्क का, कॉफी का, टी का, राइट। नाउ बिग वेसल्स मोर देन 1 लीटर के लिए, ओके। एक तो कुकिंग पॉट हमने लिखा, फिर
हम क्या लिख सकते हैं, बाथिंग टब लिख सकते हैं, कुकर लिख सकते हैं, फिर बिग पॉट लिख सकते हैं, फिर बकेट लिख सकते हैं, राइट। बिग कुकिंग पॉट, फिर कुकर, फिर बाथिंग टब, राइट। देखो इसने भी, ये जो चाइल्ड बैठा है उसने भी बहुत सारे वेसल्स लेके बैठा है, ओके। इससे भी कोई घर में आपके ज्यादा हो आप मेजर करते हो और फिर उसको अलग करके नोट भी कर सकते हो, राइट। ये एक्टिविटी हो गई, आप अपने घर में वेसल्स हो वो लेके बैठो, फिर 1 लीटर बोतल मेजरमेंट के लिए ले लो, बिस्लरी, बिस्लरी की पड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी वाटर बॉटल हो जो स्कूल में लाते हैं 1 लीटर वाली हो तो मेजर कर सकते हैं ना, जिसमें टम्बलर है, मग है, कम सम आता हो एक साइड रखो, फिर उसका लिस्ट बनाओ, फिर बोतल से ज्यादा मतलब खाली एम्प्टी जगह बकेट में रहती है तो वो मोर देन 1 लीटर हुआ तो वो अलग से लिस्ट बनाओ। हो गई ना ये मस्त एक्टिविटी, डू इट नाउ। लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस, गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। आपके घर में बकेट्स होगी उसको देखो और कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है। नियर अबाउट एक बकेट में 10 to 12 liters होते हैं और बड़ी बकेट होती है तो उसको 15 liter मोर देन भी होता है, राइट। यूज अ 1 liter बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, 1 liter बॉटल लेके बकेट भरते जाओ, दो बकेट्स है आपकी, दोनों में 1 लीटर पॉर करते जाओ, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तो एक बकेट में कितनी बोटल्स आती है आपको लीटर फाइंड आउट हो जाएगा ना, है ना मस्त आइडिया। और बड़ी बकेट हो तो उसमें भी काउंट करो किसमें 10 आ रहा है, किसमें 12 आ रहा है, राइट, ओके। फ्रेंड्स पेज नंबर 156 मैच द राइट पेयर्स। देखो यहाँ मैच दिया गया है, एक साइड उसका लेटर्स लिखा है, दूसरी साइड उसका नेम एंड पिक्चर दिया गया है। लुक अबाउट 12 liters, फिर लेस देन 1/2 liter, अबाउट 5 liters, 1000 liters एंड 1/2 liter। अब राइट साइड देखो क्या है, टू मेजर मिल्क, मिल्क मेजर करने का जो वैसा लगता है वो, फिर सेकंड वन वाटर टैंक, मैंने उसको ABC में शो कर दिया है, थर्ड वन सी बकेट जो हम बाथरूम में यूज करते हैं, फिर आई ड्रॉप्स बोतल, देखा होगा आपने घर में कोई एल्डर्स को आई ड्रॉप्स डालते हुए, राइट, और वाटर सुराई जो गर्मियों में सुराई में जब जर्नी करते हैं ना लॉन्ग रूट की तो लोग इसमें वाटर भर के लेके जाते हैं, इसको वाटर सुराई बोलते हैं, ओके। नाउ लुक हियर, अबाउट 12 liters, अब 12 liters नियर अबाउट 1000 लीटर, मोर देन 1000 लीटर भी होते हैं, जिसमें आएगा
ओके नाउ हाफ एन लीटर ये मिल्क में